राधे राधे, सबन ने मनीषा को प्यार भरो राधे राधे। और सब भाई बहन कमेंट कर रहे हैं और जो कहते हैं भैया के तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या परेशानी है, तो मैं बताऊँ मुझे ज़्यादा कछु घर पे खास परेशानी नहीं, मुझे थायराइड की परेशानी। और थायराइड की परेशानी जब बनी, जब मुझे 4 साल पहले हल्को सो एक एक्सीडेंट भयो, वहाँ में मेरी कमर में कछु परेशानी आई। बाकी मतलब कमर की परेशानी में मुझे झटका लगवा चालू है, फिर मेरा वेट बढ़वा चालू हुआ, मतलब मोटापा बढ़वा धीरे धीरे चालू है वो, तो बात है मेरा थायराइड भी बढ़वा चालू हुआ, फिर कमर में बहुत दर्द है वो, दवा खा खा के मोटापो बढ़ता चलोगा। और 4 साल से दवा खा रही, मैं कहूँ आराम नहीं मिलो, फिर मेरा पैर बिल्कुल सुन्न पड़ेगा। फिर मैंने अपनी दवा कराई, दवा करावे के बाद में फिर अब जिस स्थिति आई कि अब दवा कराएंगे कहूँ तो रहेगा कोई संग, और थेरेपी करानी पड़े तो लगातार थेरेपी करावे के बाद में तो साथ में कौन रहेगा, थेरेपी लगातार कौन जावेगा करावे। तो फिर हमने एक प्लान बनायो कि जे मतलब गाजियाबाद में अपने में जॉब करते हैं, तो इनने एक प्लान बनायो कि ऐसा करते हैं कि तुम्हें नोएडा एडमिट कर देते हैं, तो वहीं तुम्हारा इलाज करावत रहेंगे और वहीं तुम मतलब दिन में अपना डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह देखत रहेंगी तुम्हें। अच्छा हॉस्पिटल हो, प्रकाश हॉस्पिटल हो नोएडा में, और वहाँ तुम्हें डॉक्टर देखत रह करेंगे और रात में हम तुम्हें जो रह जाओ करेंगे। तो मैं दिन में वहीं रहती और रात में वो जे आ जाते मैं जो ड्यूटी करवे के बाद में। तो फिर वहाँ एक थोड़ी सी परेशानी और निकल के आई, जैसे लीवर पे इन्फेक्शन आयो, तो वहाँ मतलब एक महीना मैंने 15 दिन पहले इलाज करा, 15 दिन फिर तो वहाँ थेरेपी चली, और कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं, थेरेपी की वजह से ही वहाँ इतने दिन रुके। तो जा वजह से इतने दिन लग गए, तो सब लोग जो कहते कमेंट में कि तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है जो हॉस्पिटल में तुम इतने दिन आ गए, तो ऐसी ज़्यादा कोई भयंकर परेशानी नहीं है, वो यही परेशानी है कि मतलब मेरी डिश में ज़्यादा दिक्कत आ रही, क्योंकि दवा खाने के बाद में नोकल अगर काऊ, मैं सबको आज एक सीख दे रही हूँ कि अगर काऊ की कमर में दर्द होए तो कभी भी नोकल इलाज ना करावे, हमेशा बढ़िया इलाज करावे। पहले तो अपनो MRI करावे, MRI करावे के बाद में अच्छे डॉक्टर पे इलाज करावे, अच्छे डॉक्टर के बाद में फिर बाकी सलाह के बाद में ही इलाज कराए, और बढ़िया लाइट वाली अपनी थेरेपी करावे, और थेरेपी मतलब कैसी भी कराए बढ़िया ही थेरेपी करावे, और कई की बात में आके कऊ को ना झटका लगवावे, ना कछु लगवावे, और ना कऊ को नस लिपवावे, कोई काम ना करवावे, अच्छे डॉक्टर की ही दवा लिपवावे। आज मैं बहुत मतलब अपने पैर पर खड़ी हूँ, मोटापा तो वही है लेकिन वो मोटापा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर स्थिति खराब है सकते, क्योंकि मोटापा तो हर बीमारी की जड़ है, तो जो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ा कम तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा खास परेशानी नहीं, लेकिन वो थेरेपी की वजह से ही एक महीना लग गो। और भाई सब ने इतने कमेंट करे हैं, मतलब हर आदमी यही पूछ रहा है यूट्यूब पे, मतलब हर पार्ट पे यही पूछ रहा हो कि तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है जो एक महीना आएगा तुम्हें अब हॉस्पिटल में, कि ऐसी। तो मैं देखो हॉस्पिटल में हूँ या हॉस्पिटल में कोई वीडियो बना के डालूँ तो फिर मुझे सही नहीं लग रहा। और फिर देखो दवा खा रहे हैं, दवा खाए के बाद में चक्कर आ रहे हैं, BP लो है जाते हैं, कोई दिक्कत भी बन जाए। अरे जी हमारी लूसी है ट्यूबवेल पे, तो वो एकदम छूट के आते हैं, तो ना छोटी बच्ची है तो आते खेलते हैं जी, मेरी देवरानी की बच्ची है तो आते खेले भी आई है, तो वो एकदम घबराई है। तो भैया सबके लिए यही सीख है कि अच्छे डॉक्टर है हमेशा दिखाना चाहिए, मेरा अच्छा इलाज चलो। तो देखो आज मैं सही हूँ, और जब तक ऐसे इधर उधर दिखाया तो मैंने बहुत परेशानी को सामना करवा। अब डॉक्टर ने बस यही बताई है कि खूब टहलो, खूब व्यायाम करो, व्यायाम देखो व्यायाम हूँ ऐसा ना है कि व्यायाम कर रहे हैं अब हमें पता ना, मैं खूब व्यायाम करती लेकिन जब मुझे पता ही ना कि मुझे व्यायाम करना कौन सा है, तो बेहू व्यायाम तुम्हें शरीर में परेशानी बढ़ा सकते है। अब हम तो अपने मन में जो कह रहे हैं कि हम खूब व्यायाम करते हैं लेकिन हम सही ना आ पा रहे, वो व्यायाम थोड़े मानो जा रहे हो, हम चाहे कितने व्यायाम करते रहेंगे लेकिन हम मानो नहीं जागो, क्यों कि हमें पता ना है कि हमारी बीमारी के लिए हमें कौन सा व्यायाम करना है। और डॉक्टर ने हमें यही सीख दी कि हमेशा बड़े डॉक्टर की सलाह से ही हर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई डॉक्टर हर एक मर्ज को थोड़े होता है, हर डॉक्टर हर अलग मर्ज को होता है, तो रीढ़ की हड्डी को अलग होता है, नस को अलग होता है,
न्यूरो डॉक्टर अलग है और रीढ़ की हड्डी को जो होता है हड्डी वाला डॉक्टर अलग होता है, तो सब अपनी अपनी सलाहते हर चीज़ अलग बताते हैं। तो फिर जा बजा थे, फिर मैं वहीं रही, वहाँ रह के ये ड्यूटी करवे जाते, ड्यूटी करने के बाद में फिर शाम को मेरे पास आते, जा बजा थे वहाँ एक कम से कम एक महीना तो है ही गो, 15 दिन पहले, फिर 15 दिन बाद में, तो एक महीना रह के फिर थेरेपी कराई लगातार। थेरेपी से भी आराम मिलो, उन लोगों ने दवाई अच्छी करी, बढ़िया देखभाल करी, फिर अच्छो आराम मिलो। आराम के बाद मैं अब घर आई हूँ। अब देखो डॉक्टर ने मना, अभी देखो फिलहाल में डॉक्टर ने ये बोला है कि जहाँ तक हो, देखो कोई भी चीज़ हो सही हो के आती है, कोई बीमारी हो कोई भी हो, तो डॉक्टर ये थोड़े कहेगा कि तुरंत जाके काम करो। तो अब इतनी हम दवा करा के आए, अपना पैसा खर्च करा के आए, तो एकदम कऊ काम है पकड़ेंगे तो तुरंत, अब धीरे धीरे कोई चीज़ सही है जाएगी, धीरे धीरे काम पकड़ेंगे, धीरे धीरे सब सही है जाओ तभी काम करेंगे, तो थोड़ा टहलेंगे फिर धीरे धीरे योगा करेंगे। वहाँ भी ऐसा नहीं था कि जैसे हमें एकदम योगा कराते, ऐसा कछु नहीं होती, धीरे धीरे हमें सब चीज़ के लैब करो जा, तो यूँ हम सुबह से हम टहलवे आ रहे हैं, फिर योगा करेंगे। और अभी काम के लिए अभी ऐसा ज़्यादा कोई बुना है, धीरे धीरे काम करूँगी मैं, अभी काम ज़्यादा ना प्रेशर डालो, क्योंकि डॉक्टर ने 2 साल के लिए दवा चलावे के लिए बोला है, तो 2 साल में ही कोई परेशानी है तो दूर रह पाएगी, तो हर परेशानी है दूर है। देखो परेशानी बंद तो हाल जाते हैं, लेकिन ख़त्म है में बहुत टाइम लगा तो है, कोई भी परेशानी हो मेरा जा टाइम पर मुझे परेशानी बनी, तब 77 किलो वजन हो, आज मेरा 100 kg वजन है चुको है, मात्र दवा खा के, क्योंकि दवा में से थायराइड बन गई और थायराइड के कारण आज मुझे इतनी भूख लगती है। और पता है एक डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया यहाँ अहमदपुर में कि तुम्हें थायराइड ही नहीं है, तुम्हारी थायराइड नॉर्मल है, उसका आज कारण ये है कि मैं बहुत परेशानी का सामना किया है, मैंने इतना सामना किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, आज मैंने इतना सामना करो है कि हे भगवान, अगर मैं नोएडा ना जाती, अगर मैं मेरे पति मुझे दिखाए भी नहीं ले जाते, तो ऐसा कहते मैं दुनिया में नहीं रहती, मैं बहुत परेशान है चुकी, मैं जा टाइम पे दिखाए भी गई, वह टाइम पे मुझे उल खाने से नफरत है गई, मतलब मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ चुका कि मुझे खाने से नफरत है गई, उल्टी होती, बीपी लो है जाता, कभी बीपी बहुत लो, कभी बहुत हाई, और उल्टी इतना है वो चालू है उल्टी। तो अब मैं सही हूँ, थोड़ा आराम है, थोड़ा बीपी में थोड़ा परेशानी आ रही है, तो मैं घर में गर्मी लगाते तो बाहर आ जाती हूँ, तो बाहर हवा चल रही है, क्योंकि ठंडा मौसम है या तो बारिश आ जाते हैं, तो बाहर घूमने आ जाती हूँ। और बाहर में आई हूँ सुबह, मतलब शाम, कल शाम को आई, बाहर में आई सुबह घूमने के लिए, तो मैं बाहर का देख के सबसे ज़्यादा खुश मन भयो, एक तो मैं बीज बो के गई तो मेरी बेल खूब बड़ी बड़ी है गई लौकी तुरैया की, दूसरी मेरी तुलसा मैया बड़ी है गई, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी तुलसा मैया को इतना शौक है, हे माँ जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक तू मेरी आँख के आंगन से कभी उज्जवल मत है जी, यहाँ से जइयो मत, हमेशा मेरे आंगन में ही उज्जवल रही हो हे मैया, मैं बस यही सोचती हूँ कि तू कभी मेरे आंगन में से जाना मत, मुझे अपनी तुलसा को इतना शौक है। एक चीज़ में ना है, मैंने अपने छत पर भी यहाँ एक बाल्टी में जे है, एक बाल्टी में लक्ष्मी है, लक्ष्मी में अलग बोए के रखी है मैंने, जी अलग बोए के अपनी जय हो परमेश्वरी, तुम कभी मेरे आंगन में थे जान, मैं तुलसा की मतलब वृक्षों को मुझे पेड़ पौधों को मुझे इतना शौक है ताकि सीमा ना है। और घबराहट की थोड़ी परेशानी अभी है मुझे, तो जा बजाते मैं बाहर की हवा ले भी आ जाती हूँ, घूमत फिरते रहती हूँ, तो यहाँ थोड़ा मन शांति मिलते है। और अब मैं थोड़ी देर बाद घर जाऊंगी, घर जाए के बाद में सब रे देखो, अगर मुझे छुट्टी नहीं मिलती कल तो देखो रक्षाबंधन भी निकल गए, रक्षाबंधन वाले दिन तो इतना रो आ रो, 1-2 दिन पहले मैं इतना रो आ रो इतना मन मेरा इतना बेकार, कहीं भले ही ससुराल में हो है तो घर, मायको तो मायको ही होता है लेकिन घर ससुराल भी तो घर है, इतना बेकार लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरा जन्माष्टमी कल आने वाली, भगवान कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तब बाग में मुझे ऐसा लग रहा हो कि भगवान जाने मुझे तुम मुझे अपने धाम घर में पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे अपने जन्म पे, तो भगवान ते मेरी बड़ी प्रेरणा लगी कि हे भगवान अपने जन्म पे मुझे तुम मेरे घर में पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, तो भगवान ने मेरी ऐसी सुनी रात ही रात में कि मैं सुबह छुट्टी करवा दी।
और मैं आएगी। और पता है प्रकाश हॉस्पिटल में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, वहाँ इतना प्यार है मिलता है, वहाँ इतना प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है सबके अंदर, इतना प्यार भरो, डॉक्टर के, नर्स के, हर इंसान प्यार देता है और हमारी बात मानी जाती है बस, मतलब पेशेंट की बात हर बात सुनी जाती है, हर इंसान सुनता है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वास्तव में भी अच्छा हॉस्पिटल है और अच्छी तरीका से ट्रीटमेंट करो जाता है। आज मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ तो अच्छा ही ट्रीटमेंट मिलो, जा वजह से खड़ी हूँ और वास्तव में भी अच्छा ही टी। और मेरे देखो सबसे आज जो भी देखो सबसे बड़ा तो मेरा पति देव ने मेरा साथ दो है, जब मैं आज अपने पैर पर खड़ी हूँ। आज अगर वो ओचे लली रखा देते, अगर आज भी मेरा साथ नहीं देते तो मैं कैसे आज यहाँ तक खड़ी होती, पता नहीं मैं कैसे खड़ी होती। ये तो मैं लड़ाई बिराई तो सौ बात होती है, कुछ भी कह दे मुँह पे, लेकिन ये आत्मा कहती है कि अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं क्या क्या कैसे खड़ी होती, और या तो जीती या मरी जाती। जी तो नहीं तो क्योंकि बहुत परेशानी है चुकी मुझे। ए तू का है, काय को परेशान कर रही है जी भैया जी, लूसी ऐसी है काय को परेशान कर रही है, चले आ जा जा तुम ले लो वरना। हम बहुत दिन बाद आते ना तो प्यार करते हैं माई लूसी। अब तो जी अगर ट्यूबवेल पे थोड़ा घूम फिर के अपना शरीर सही है जाओ जी। मोड़ी ऐसी है जा, मोड़े ही के काले प्राण छोड़ते है जा, मोड़ा ना छोड़ते। ठीक है भैया, राधे राधे सवन ने। और भैया ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों कह रहे हो सब्सक्राइब करें, कैसे कह रहे हो बेटा बताइयो? सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भैया। मैं लम्बन कच्चू कह रहे हो, क्या कह रहे हो? गाइस सब्सक्राइब करें। का सब्सक्राइब करें, जो ऐसे जो कह रहे हो? कहने नहीं आता है, कहने नहीं आता है, कहने नहीं आता है। बहन भाई की जोड़ी देखो।